हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का डिफरेंट जगह पे क्या क्या डिफरेंट तरीके से रोल होता है, वो क्या भूमिका प्ले करती है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लैंग्वेज ये कैसे जो है रोल प्ले करती है। एज अ लैंग्वेज यानी कि किस तरीके से, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ऑन एंटरप्राइजेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज में अपना रोल प्ले करती है। कैसे, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे कि गुड्स हो गया। गुड्स का मीनिंग मैंने बताया था सामान होता है। बिजनेस में अगर हम देखें तो गुड्स का मीनिंग सामान होता है, लेकिन रियल लाइफ में गुड माने अच्छा भी बोल देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मैंने वहाँ पे बताया था कि ड्राइंग्स का मीनिंग होता है, बिजनेस में अगर बात करें तो ड्राइंग्स का मीनिंग होता है कैपिटल दैट इज़ विदड्रॉन बाय द ओनर। वो कैपिटल जो कि ओनर जो है विदड्रॉ कर लेता है, अपने बिजनेस से निकाल लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन ड्राइंग का मीनिंग अगर हम अलग से देखें और किसी सब्जेक्ट में, तो क्या है, ड्राइंग का मतलब आर्ट भी होता है, ड्राइंग का मतलब, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अकाउंटिंग है वो एज अ लैंग्वेज भी अपना रोल प्ले करती है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की हम यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्चुअल अमाउंट आर इन्वॉल्व। ठीक, लाइक प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन। देखिए, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, तो अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए भी एक अपना अलग से रोल प्ले करती है। कैसे, कि जितनी भी अकाउंटिंग जो की जाती है वो ये मान के की जाती है कि हम उसमें हिस्टोरिकल अमाउंट पर ही सारे असेट्स को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग अपना रोल कैसे प्ले करती है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, वो जो है सारी चीज़ों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख लिया है, उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस में कोई भी मशीनरी परचेज की गई है, तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसमें प्राइस भी होगी, सपोज मशीनरी 50,000 की आई तो 50,000 प्राइस हो गई। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सपोज 1,000 हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं तो टोटल हो गया 51,000। नाउ उसमें ऐड कर दिया जाएगा इंस्टॉलेशन, सपोज हम मान लेते हैं 500 जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट होगी वो 51,500 की रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो बात समझ में आई। एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो अकाउंटिंग अपना रोल प्ले करती है। ठीक, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का जरिया है। कैसे, इट इज अ प्रोसेस दैट लिंक्स एन इंफॉर्मेशन सोर्स दैट इज द अकाउंटेंट टू अ सेट ऑफ रिसीवर्स दैट इज यूजर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाय अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, जैसे कि क्या होता है कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लिंक करती है, जोड़ती है किसको, इंफॉर्मेशन सोर्स को टू अ सेट ऑफ रिसीवर्स, मतलब अकाउंटेंट को किससे जोड़ती है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अकाउंटेंट को किससे जोड़ती है, वो यूजर्स से जोड़ती है। ठीक है, तो एक एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अकाउंटिंग अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, बाय अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी जरिए से, लाइक अगर गूगल पे डाल दी गई है या जो है कहीं भी अगर बिजनेस की इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ से जो है अकाउंटेंट जो है प्रोवाइड कराता है किसको, सेट ऑफ रिसीवर्स यानी यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट अकाउंटिंग प्लेज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम रोल ऑल्सो। ठीक, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम करेंट इकोनॉमिक रियलिटी, इसकी भी बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ व्यूड एज द मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी, नेमली द चेंज ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। देखिए, अकाउंटिंग हम सभी जानते हैं बिजनेसेस की क्या बताती है, अकाउंटिंग के थ्रू हमें बिजनेस की क्या पता चलती है, वेल्थ पता चलती है, और ट्रू इनकम कह सकते हैं, ट्रू इनकम पता चलती है किसी भी एंटिटी की। तो ये एक जो है अपना रोल प्ले करती है किसमें, इकोनॉमिक रियलिटी में, मतलब आर्थिक तरीके से भी इससे हमें पता चलता है कि क्या बिजनेस की क्या है, प्रॉफिट है क्या, लॉस है क्या, ट्रू इनकम है क्या, नेशनल इनकम जानने में भी ये हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक रियलिटी। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एज अ कमोडिटी। कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है, सामान, सामग्री या फिर
कोई भी माल. तो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज व्यूड एज अ सर्विस विच इज इन डिमांड इन द सोसाइटी विद अकाउंटेंट्स बीइंग विलिंग टू एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इट. तो अकाउंटिंग क्या है, एज अ कमोडिटी, एज अ सामान भी जो है अपना रोल प्ले करती है. कैसे कि देखिए, सोसाइटी में जितने भी यूजर्स हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. तो जब जिस किसी भी चीज़ की अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसके लिए क्या है, सामान है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो. ठीक, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करती है, एक जो है अपना रोल प्ले करती है, किसमें, एज अ कमोडिटी रोल प्ले करती है. ठीक है, सोसाइटी में उसकी बहुत डिमांड होती है और जिसमें क्या होता है कि अकाउंटेंट भी विलिंग होते हैं, अकाउंटेंट्स बीइंग विलिंग, विलिंग मींस वो भी उत्सुक होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए और साथ ही कैपेबल भी होते हैं, योग्य भी होते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन डिफरेंट फील्ड्स. ठीक, तो इस तरीके से जो अकाउंटिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. ठीक, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये सारी चीज़ों की जो है बहुत ज़रूरत भी होने वाली है आगे. ठीक, अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें लर्न विद काजल चैनल को. बाय बाय.